सुरखी विधानसभा क्षेत्र में जहां चुनावी तीर इस समय पर चल चुका है, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के प्रत्याशी अब इस समय पर दम लगा रहे हैं। वहीं राहतगढ़ में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान तो पहुंचे हैं, लेकिन जनता से जब हमने जानना चाहा तो आप देखिए क्या कहती है जनता, आपसे सीधे सीधे हम बता रहे हैं। कहीं ना कहीं राहतगढ़ में मौजूद है, राहतगढ़ में चुनावी सभा जो है शिवराज सिंह चौहान की है। आम लोगों से बात करते हैं, समय पर हम सैलून में मौजूद हैं, अपने अपने कामों में राहतगढ़ के लोग लगे हैं। कोई ट्रेडिंग का काम कर रहा है तो कोई अपने जो सैलून का काम कर रहे हैं। हम बात करते हैं, दादाजी आप कहाँ से आए? आप कहाँ से आए? महुना गुड़िया। अच्छा अच्छा, कार्यक्रम में आए हैं क्या चुनाव के? अच्छा, रैली में आए। क्या स्थिति है सुरखी विधानसभा क्षेत्र में, किस तरफ जा रहे हैं मतदाता? अभी नहीं बता सकते आप, अभी इनका तैयार नहीं है। हम सैलून पर मौजूद है, सैलून को छुरा भी चल रहा है कहीं ना कहीं, और छुरा के बीच में दादा की कटिंग भी हो रही है। हम बात करते हैं भैया, आप राहतगढ़ से मौजूद है, आप अपनी दुकान पे चक चढ़ा रहे हैं, इस समय पर जो चुनाव चल रहा है, आज मुख्यमंत्री आ रहे हैं, तो इसमें आप क्या कह सकते हैं? अभी हम इसके बारे में नहीं, अभी आपका मन कहीं नहीं है। तो आप क्या, कितना आमदनी हो जाती है आपको सैलून की दुकान? 200-250 गुजारा चल जाता है। आप टेलरिंग की दुकान करते हैं, आप मेहनती हैं, आप आंखों के बल पर ही टेलरिंग की दुकान होती है। सरकार को जो है इस समय पर सोचना चाहिए, जो टेलरिंग करने वाली व्यक्ति है उनकी सिर्फ आंखों से ही सब काम चलता है। हम बात करते हैं, क्या नाम है आपका? कुशवा जी, आप आज चुनावी रैली है, मुख्यमंत्री आ रहे हैं, तो आप क्या मानते हैं आज भीड़ को देखते हैं? अच्छा, तो ऐसा क्या है, एक तरफ पारुल साहू विधायक रही हैं और एक तरफ आम मंत्री, ऐसा क्या है? अच्छे काम जनता, कहीं ना कहीं बताया गया कि जनता चाहती है कि अच्छे काम जो है बीजेपी ने किए हैं, ये सब चीजें सामने आ रही है। आप भजन के कौन सा काम दिख रहा है? टेलरिंग का, मेहनती काम, कितना कमा लेते हैं? तो अभी चुनाव चल रहा है सुरखी विधानसभा क्षेत्र में, उपचुनाव में पहली बार मौका मिला है, किस तरफ आप, मतलब एक तरफ पारुल साहू एक तरफ गोविंद राजपूत, किस तरफ जाएंगे राहतगढ़ तरफ? गोविंद जी, क्यों ऐसा क्या? सिंधिया जी और शिवराज जी। अच्छा, ऐसा क्या विकास किया? ये बता रहे हैं कि विकास की तरफ हम अग्रसर होंगे, क्योंकि काम किया है, काम करेंगे। कहीं ना कहीं मतदाताओं का जो मन है, कहीं ना कहीं कुछ अच्छा और कुछ खामोश दिखाई दे रहा है। ये कहीं ना कहीं भक्तों का भी कार्यक्रम, लोग आए हैं कि ये नवदुर्गा का कार्यक्रम शुरू हो रहा है आज से, उसमें भक्त भी गाएंगे लोग, और नगड़िया भी बजेगी और ढुलकिया भी बजेगी। लेकिन कहीं ना कहीं सुरखी विधानसभा क्षेत्र में चुनावी महाभारत भी चल रहा है। हम बात करेंगे यहाँ पर जो लोग मौजूद है उनसे कि इस समय पर जो है सुरखी में जो चल रहा है उसके संबंध में भी हम जानकारी लेते हैं। आप, हम आपको बता दें कि सीधी बात करते हैं, दादाजी आप कहाँ से आए हैं? अच्छा अच्छा, अभी आज चुनावी मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं आज कार्यक्रम में, सुरखी में चुनाव चल रहा है, उपचुनाव है, पहली बार है सामने, हमें अनुमान लग रहा है, तो आप किस तरह, मतलब आपका मत जाएगा? ऐसा क्या है गोविंद सिंह के जो आप पूरा मत उनको दे रहे हैं? लंबी राजनीति है क्या? अब ऐसा है कि कभी भी वक्त आता है तो हमारे यहाँ उपस्थित हो जाते हैं। अच्छा, वक्त को उपस्थित हो जाते। आप नगड़िया लेके आए हैं, आप नगड़िया लेके आए हैं, आप बजाएंगे भी और लोगों से मिलेंगे भी। आवाज़ जो है नगड़िया की बुंदेलखंड में काफ़ी अच्छी आवाज़ मानी जाती है। आप चुनाव चल रहे हैं इस समय पर, किस तरफ जाएगा ये चुनावी महाभारत? गोविंद सिंह, ऐसा क्या है? सुनते हैं, ये देखिए बजा भी रहे हो, कह रहे गोविंद राजपूत सुनते हैं, ये सबसे बड़ी बात सामने आ रही है। कहीं एक बार फिर बताया गया कि कहीं ना कहीं विकास की तरफ जनता जा रही है, कहीं ना कहीं कोई ना कोई खामोश भी हो, कोई ना कोई प्रसन्न भी है। आप कहाँ से आए? तो आप किस तरफ, मतलब आखिरने के लिए आए? आप मतलब एक तरफ भूतपूर्व विधायक पारुल साहब, एक तरफ मंत्री, आपका मत किस तरफ है, ऐसा क्यों?
काम ये कह रहा है काम किया है काम करेंगे, इस कारण इनने अपना रुझान दे रहे हैं। कहीं ना कहीं अपनी प्रतिक्रिया जो बार बार हमारे पास आ रही है हम आपको सीधा बता रहे हैं।